अस्सलाम वालेकुम। आपके चंद ऐसे लापरवाह सवालात किसी दूसरे के लिए डिप्रेशन का बाइस बन सकते हैं। प्लीज़ आप अवॉइड किया करें। रिश्ते के इंतज़ार में बैठी लड़की से पूछना कि रिश्ता आया है या कोई बात चली, अब तक तुम्हारा रिश्ता हो जाना चाहिए था, वगैरह वगैरह। और बेरोज़गार से पूछना कहीं नौकरी वगैरह शुरू की, कब करोगे, ऐसे ही फारिग बैठे रहोगे, वगैरह। एक और बात जो मैंने अक्सर करते कहते लोगों को सुना है, हमारे वो बहन भाई जो किराए के मकान में रहते हैं उनसे पूछते हैं अपना मकान का कब तक इरादा है। देखें, हर इंसान का दिल करता है कि उसका उसकी अपनी छत हो, उसका कभी दिल नहीं करेगा कि वो किराए के मकान में रहे। बिना सवारी वाले से या मोटरसाइकिल साइकिल वाले से अपनी गाड़ी कब खरीदोगे, इस तरह के सवाल प्लीज अवॉइड किया करें। और अक्सर जो माएँ और बाप ये कहते हैं जी मेरे बच्चे टॉप बड़े टॉप के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपके बच्चे कौन से कॉलेज स्कूल सॉरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो प्लीज इस तरह के सवाल से भी अवॉइड किया करें। और एक जो सवाल हम बे औलाद जोड़े से पूछते हैं कि कब तक खुशखबरी सुना रहे हो, देखें ये अख्तियार अल्लाह ताला के पास है। इस तरह के सवाल करके आप ना परेशान किया करें। जब भी मिले दुआएं दिया करें, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे, ये नहीं कि दिल दुखाएं। हर शादीशुदा जोड़े का दिल करता है कि अल्लाह उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। आप गैर मुनासिब सवालात से ग्रेज किया करें। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक दे। दूसरों के लिए अच्छा बर्ताव करोगे, अच्छा सोचोगे, अल्लाह सुबहाना ताला तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा, मुश्किलें आसान करेगा। प्लीज़ किसी के दिल मत दुखाया करें। जज़ाकअल्लाह।